आपका नाम क्या है? जी मैं कृष्ण कुमार पासवान। आप कहाँ से हैं? जी मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग्स करता हूँ और दिल्ली में काफ़ी दिनों से हूँ। मेरा रीना चौहान नाम है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा नाम महेश है। आप कहाँ से हैं? मोतीबाग न्यू दिल्ली। पाकिस्तान में जो हिंदू लड़कियाँ हैं उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, पिछले 20 दिनों में ऐसे दो मामले सामने आए हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए अगर इस तरीके की कोई बात हो रही है तो ये सरकार के द्वारा उन पे उनके खिलाफ जो धर्म परिवर्तन करवा रहा है ये बहुत ही गलत है। उनको फुल डेमोक्रेसी देना चाहिए, क्योंकि अगर वो हिंदू लड़कियाँ हैं तो उनको किसी भी इंसान को उसको फ्रीडम लाइफ जीने का उनका पूरा हक है और पूरा अधिकार है। अगर वो लोग ज़बरदस्ती करवा रहे हैं तो डैट इज़ प्लान्ड एंड कंट्रोल बाई समवन, जो इस चीज़ को रोकना चाहिए और वहाँ की सरकार को इस पर एकदम क्विक एक्शन लेनी चाहिए कि जो भी देश बनता है किसी एक मजहब से नहीं बनता है, ना हिंदू से, ना मुस्लिम से, ना सिख से, ईसाई से, पूरे हिंदुस्तान में क्या चाहे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ सिर्फ एक ही जाति और एक ही धर्म के लोग हैं। इसलिए मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ख़ासकर हिंदुस्तान के लिए ये शर्मनाक बात है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू रहते हो और हमारी सरकार को ये करना चाहिए, इंटरनेशनल सरकार को उस पर दबाव बनाने चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को अगर हम दबाव नहीं बना सकते तो पाकिस्तान को कोई हक नहीं है कि जो हमारे हिंदुओं को दबाव बनाया जाए और ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराया जाए। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जितने भी अकलियत हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनका कोई मानवाधिकार ना था, ना है, ना होगा। पाकिस्तान हमेशा भारत में अल्पसंख्यकों की बात करता है, माइनॉरिटीज़ की बात करता है, और वो कहता है कि यहाँ पे दे आर नॉट सेफ। मैं उल्टा कहता हूँ कि पाकिस्तान में ये लोग सेफ़ नहीं हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था तब पाकिस्तान में हिंदू करीब 10-12% थे, और आज वहाँ पर हिंदुओं की और हिंदू सिख अलग जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली हिंदू तो बिल्कुल 20-22 लाख है, आधा एक परसेंट है पाकिस्तान की पॉपुलेशन का। तो इससे सिद्ध होता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या हालत है, उनका कोई मानवाधिकार नहीं है, उनका कोई सामाजिक अधिकार नहीं है, उनका कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है, उनका कोई जो है आर्थिक अधिकार नहीं है। जो भारत जो है पाकिस्तान में हो रहे धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए किस प्रकार से सहायता कर सकता है? अगर वो हमारे हिंदुस्तान के ही मतलब वो पहले जो बंटवारा हुआ था या फिर अभी जो लोग जा करके वहाँ बस रहे हैं, अगर उन लोगों के माध्यम से मतलब वो लोग पहुँचे हुए हैं तो हमारी गवर्नमेंट को भी जो है ना इस पे कुछ एक्शन लेनी चाहिए कि हमारे जितने भी हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, चाहे वो हिंदू हो या किसी भी जाति धर्म के हो, जाति धर्म पे तो बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर वो ले रहे हैं तो सरकार पे दबाव बनावे कि वो ऐसा मानवता के विरुद्ध कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए उनको। इस तरीके से मैम सहायता कर सकता है, इंटरनेशनल साहब देश मिलकर उस पर दबाव बनाए तो ये रुक सकता है। और अगर दिक्कत उन लोगों को, अगर पाकिस्तान लोगों को इतनी दिक्कत है हिंदुओं को, तो हिंदुस्तान में भेज दें दिक्कत। हमारा तो सब कुछ स्वीकार है, हम हिंदू भी स्वीकार हैं, हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम भी स्वीकार करते हैं, हमारा एकता का प्रचार है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे यहाँ पे एकता से रहते हैं। अगर पाकिस्तान को इतनी प्रॉब्लम है तो हमें वापस दे दें, हम खुले हाथों से उनका स्वागत करते हैं। और खुद मैंने BBC पे सुना, अलग चैनल्स पे पहले भी सुनता आ रहा हूँ, वहाँ पे धर्मांतरण, यहाँ तक कि कुछ साल पहले TV न्यूज़ पे था कि एक सिख की लड़की उठा ली थी। तो ये सब होता रहेगा वहाँ पे, वहाँ की सरकार को आप रोक नहीं सकते, वहाँ का समाज, वहाँ की ISI, वहाँ की आर्मी, जिसकी वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो तो एक दिखावे की गवर्नमेंट, उनके हाथ में कुछ है भी नहीं और वो कुछ करना भी नहीं चाहते, जो थोड़ा बहुत भी है वो करना भी नहीं चाहते। मैं तो मानता हूँ कि पाकिस्तान का आइसोलेशन होना चाहिए और या तो उसके साथ भारत का कोई ऐसा युद्ध हो जो भारत उसे सबक सिखा सके, तभी हो सकता है। दूसरा उपाय यही है, भारत में उन लोगों को, माइनॉरिटीज़ को बुला लिया जाए, और कोई तरीका ही नहीं है जी। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर जो हिंदू की आबादी थी जी, वो 25% थी जी, जब घट के 1% हो गई है जी। इस घटती हुई आबादी का कारण क्या है? इसका कारण है कि वहाँ पे या तो उसको 2-3 प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा होगा, या तो फिर मानसिक रूप से, नहीं तो आर्थिक रूप से, नहीं तो शारीरिक रूप से, क्योंकि यहाँ ज़्यादा जितनी भी जनसंख्या होंगी, जैसे 10 बंदर रहे और किसी एक बंदर को नोचे तो वो नेचुरली है कि वो बंदर की मौत होनी ही है। अगर मान के चलिए वो हिंदू समाज के लोग हैं वहाँ पे, तो मुस्लिम समाज को भी, क्योंकि इस्लाम भी तो यही कहता है ना, कोई इस्लाम भी ये कहता है कि आप मानवता से बड़ा कोई जाति धर्म नहीं होता। मैम वहाँ पे मैंने जहाँ तक मुझे सुनाई दिया और मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि वहाँ को हिंदुओं का कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है,
क्योंकि वहाँ पे दबा के रखा जाता है, हर उनकी ना तो सुनवाई होती है, ना बहू बेटियों की सुनवाई होती है, और इस तरीके से मतलब उनकी ना कदरी कर दिए। और देखिए पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को देख के सबक होना चाहिए कि देखिए हिंदुस्तान कैसा इंसान है, कि शायद पाकिस्तान में इतने मुस्लिम नहीं होंगे जितने कि हिंदुस्तान में, और आखिर में यहाँ पे आप मिल बांट के सारे लोग रहते हैं। तो जिस देश में रह रहा है उस देश में उसका हक होता है कि मैं खुले आज़ाद रह सकूं, और क्या कहता हूँ उनको भी खुली आज़ादी होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से, मोदी जी से प्रार्थना करती हूँ कि इंटरनेशनल सरकार पर दबाव बनाया जाए और उन लोगों को सुरक्षित किया जाए। घटती हुई आबादी के कारण वहाँ पे इस्लामिक चरमपंथी, वहाँ पे धर्म गुरुओं का हस्तक्षेप, वहाँ पे हर चीज़ का इस्लामीकरण। वे लोग चाहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानते, जो दूसरे लोगों को धर्म को मानते हैं वे जो है काफिर हैं, उनको आप जिहाद से ज़बरदस्ती, इच्छा से नहीं जिहाद से ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराइए और उनको उनकी लड़कियों से शादी कीजिए, उठा लेते हैं वहाँ। तो मैं आपको इतना बता दूं कि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का यदि अपहरण हो जाए तो पुलिस में केस रजिस्टर नहीं होता, FIR नहीं होती, वहाँ पे कोर्ट भी नहीं सुनता। जब पुलिस तक वहाँ की फैमिली नहीं जा सकती तो आप ये सोच सकते हैं कि वहाँ पे हालत कैसी है। जो पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उन पे काफ़ी वर्षों से ना काफ़ी सारे अत्याचार हो रहे हैं, वो काफ़ी अत्याचार बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है भारत को उनको नागरिकता प्रदान करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो ये कह ही रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नागरिकता दे के उन लोगों को भारत वापसी उनकी होनी चाहिए, और पाकिस्तान का ऐसा कर देगा भारत तो निश्चित रूप से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की बदनामी होगी। और जो पाकिस्तान अपने आप को थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक देश मानता है और ये कहता है कि हम अकलियतों का, माइनॉरिटीज़ का हम ध्यान रखते हैं, वो उनका उनके नकाब उतर जाएगा। लेकिन ये भारत सरकार को जल्द ही करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे 135 करोड़ लोग हैं, यदि 25-30 लाख लोग आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, अपने ही तो लोग हैं। तो एकदम नेचुरली अगर वो पाकिस्तान के हिंदू हो, मतलब या कहीं के भी हिंदू, अगर वो हमारे हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार चल रहा है तो उनको इजी वे में उनको नागरिकता मिल जानी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, नागरिकता दे और यहाँ पे बाकायदा उनको बुलाया जाए, स्वागत किया जाए। हिंदुस्तान में उनका लाख लाख स्वागत है, आके और अपना क्या कहते अपने घर में रह सकते हैं।